हेलो 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 आवाज आ रही है बेटा क्लियर सभी को? एक बार यस कहिएगा। आवाज आ रही है बेटा क्लियर सभी को? एक बार यस कहिएगा। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज थोड़ा लेट हो गए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, पर चलो स्टार्ट करते हैं। सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो कल जो हमने डिमांड का डिस्कशन चालू किया था, ये डिस्कशन में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये कह दूँ कि ये डिस्कशन में यहाँ पे एक सेल्फ असेसमेंट वाला पॉइंट है जिसपे बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए और जूम मीटिंग में भी कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा था। हाँ, एक क्लैरिफिकेशन है और मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ कि अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स यहाँ आपने असेस किया और 30 दिन में नहीं पे किया तो 7311 लगता है वो सिचुएशन में। लेकिन एक CBIC क्लैरिफिकेशन आया था जो आपके बुक में है कि वो CBIC क्लैरिफिकेशन ये कहता है कि आपके अगेंस्ट में 7311 की एक्शन तभी ली जाएगी अगर कोई प्रोसीडिंग सेक्शन 73 के अंडर में आपके अगेंस्ट में इनिशिएट हुई होगी, मतलब नोटिस आई होगी, आपके अगेंस्ट में नोटिस आई होगी। तो एक हमारा कल क्वेश्चन था, आई थिंक 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन जो भी होगा, तो उसमें जो था नोटिस नहीं आई थी। मतलब यहाँ पे मैं हम देख ही लेते कौन सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन एक बार फिर से हम देखेंगे। शायद 5 नंबर का ही क्वेश्चन है। अनंत कुमार सेल्फ असेस द टैक्स 90,000 फॉर द मंथ ऑफ, नहीं इसमें तो नोटिस आया था। नेक्स्ट, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 है। ओके, द टैक्स लाइबिलिटी अंडर IGST एक्ट 2017 एज रुपीज 18,000 ही फेल्स टू पे टैक्स विद इन 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। डिटरमाइन द इंटरेस्ट एंड पेनॉल्टी पेएबल बाई हिम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजन्स ऑफ लॉ विद द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, टैक्स कलेक्ट एक्सेट्रा। नो शो कॉज नोटिस हैज बीन इशूड टू हिम सो फार वेल इंटेंट टू डिस्चार्ज इज लाइबिलिटी इवन बिफोर इट इज इशूड टू हिम ऑन एजम्पन दैट नो पेनॉल्टी इज लेवेबल ऑन हिम एज पेमेंट इज मेड बिफोर शो कॉज नोटिस।
अब इसमें जो आंसर दिया है एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस में, एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस में ये आंसर दिया कि यहाँ पे यस पेनल्टी लगेगी क्योंकि उसने 30 दिन में पेमेंट नहीं किया, लेकिन एक सीबीआई से क्लैरिफिकेशन है अगर आप पढ़ोगे तो, और उस सीबीआई से क्लैरिफिकेशन में ये कहा है बेटा यहाँ पे कि 73(11) की पेनल्टी है ये तभी लगेगी अगर सेक्शन 73 के तहत आपके अगेंस्ट में नोटिस आई होगी। अगर नोटिस नहीं आई होगी तो फिर वो पेनल्टी नहीं लगेगी। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाइड वर्ड में कहता हूँ कि समझ लो आपकी ड्यू डेट आ गई, आपने सेल्फ असेसमेंट असेस टैक्स 30 दिन में नहीं दिया, आई रिपीट सेल्फ असेस टैक्स 30 दिन में आपने नहीं दिया, और वो 30 दिन होने के बाद अब आप देना चाहते हो और अभी तक नोटिस नहीं आई है, आप खुद होके देना चाहते हो, तो फिर अगर आप नोटिस आने के पहले खुद होके दे देते हो तो ऐसे केस में 73(11) का यानी 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर वो पेनल्टी नहीं लगेगी। हाँ जनरल पेनल्टी लग सकती है सेक्शन 123 की, वो बात अलग है, पर 73(11) की पेनल्टी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने नोटिस आने के पहले दे दिया। अगर नोटिस आ जाए आपको तो सेक्शन 73 की प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई, और सेक्शन 73 की प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई तो फिर 73(11) का टैक्स लगेगा इवन दो आप 30 डेज ऑफ नोटिस में वो पेमेंट करना चाहते हो, तभी वो पेनल्टी आपको लगेगी। तो बेटा ये था, पर मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ कि इंस्टीट्यूट के एडिशनल क्वेश्चन में या इंस्टीट्यूट के जो एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस है इसके अंदर वो क्लैरिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। फिर आपके सामने एक सवाल होगा और वो ये सवाल होगा कि सर क्या करें, हम एग्जाम में लिखते वक्त क्या करें, ये सॉल्व करें या किस तरह से क्लैरिफिकेशन पे। तो आपने क्या करना, एग्जाम में लिखते वक्त आपने सॉल्व तो कर देना पेनल्टी जो लगी है, पर नीचे आप अभी लिख लेना यहाँ पे नीचे आपको क्लैरिफिकेशन क्यों दो, बट एज पर सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन, हाँ ये जरूर लिखना और उसको अंडरलाइन करना एज पर सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन। अगर सेक्शन 73(11) की पेनल्टी तभी लगेगा इफ अ प्रोसीडिंग इज इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 73। सो आप अपना उसमें ओपिनियन दे सकते हो, सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन यहाँ पे लिख सकते हो। तो बहुत से स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था बेटा, तो आई होप यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका सबका सॉल्व हो गया होगा। चलिए अब हमारा नया चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें कहना चाहूँगा। पहली बात, कोई अननेसेसरी कमेंट्स नहीं, ओके, और कोई अननेसेसरी कमेंट कर रहा होगा तो बाकी सब स्टूडेंट्स उसके ऊपर अटैक कर दो। दूसरी बात, आप जितने भी सेशंस देख रहे हो ओके आप इसको ओके लाइक करो, क्यों? क्योंकि उसके बेस पर अदर स्टूडेंट्स को लगेगा कि ये वर्थफुल है और वो उनका भी फायदा होगा ओके उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, और आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करो। तीसरी बात, मैं आपको ये कह दूँ कि ये सेक्शन रिकॉर्ड होने के बाद पब्लिश भी होगा, यहाँ पे अगर किसी का बफरिंग हो या कुछ छूट जाए तो वो बाद में देख सकता है। और लास्ट, किसी को मैं अगर डिस्कशन में स्लो लग रहा हूँ तो बेटा YouTube का चैनल अवेलेबल है, मेरा वीडियो अवेलेबल है, मैं अवेलेबल हूँ, बाद में जो रिकॉर्डेड सेशन आप फास्ट स्पीड में देख सकते हो, पर मेरे साथ कर लो तो अभी हो जाएगा, बाद में कभी होता नहीं है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों स्टार्ट करें, और किसी का अगर छूट गया होगा तो वो बाद में रिकॉर्डेड सेशन में देख सकता है जो मैंने अभी क्लैरिफिकेशन दिया है, ओके। कोई भी चीज़ यहाँ फिर से एक्सप्लेन नहीं होगी और आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है? बाद में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। सो दोस्तों स्टार्ट करें, सभी हाँ कहिएगा और हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो, आर यू रेडी विद पॉजिटिव? ठीक है, तो एक बार लंबी सांस लो, आंखें बंद करो और कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ, और जो भी होगा बहुत 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 अच्छा होगा, आए हम कुछ अच्छा करने, ओके। सो दोस्तों, लायबिलिटी टू पे टैक्स इन सर्टेन केसेस, ये चैप्टर तो आपका मोस्ट इग्नोर्ड चैप्टर है, मतलब आई डोंट नो कि आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, और पढ़ा भी होगा तो पेज जितने जल्दी टर्न हुए होंगे कि आपको कुछ भी याद नहीं होगा, ऐसा ही है ना? हाँ, तो दोस्तों चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। वैसे भी ये चैप्टर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कम पूछे जाते हैं, लेकिन हमारा वही तरीका, लर्न इट बाय डूइंग इट, ओके, लर्न इट बाय डूइंग इट। तो अब चलो हम यहाँ पे ओके अभी पढ़ लेते हैं, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, पॉइंट्स हम फिक्स कर लेते हैं, ख़त्म, ओके। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्कस द लायबिलिटी टू पे टैक्स इन केस ऑफ अमलगमेशन मर्जर, इस क्वेश्चन सच में अच्छा है, जब मैं पढ़ाता हूँ ना तब भी मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये क्वेश्चन रियली बहुत अच्छा है,
और इसके ये एरिया में अगर ये चैप्टर पे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये एरिया में पूछा जा सकता है। ये चैप्टर पे रेगुलर क्वेश्चन नहीं आते पर कभी कभी आ सकते हैं। पर ये क्वेश्चन ऐसा है, अमलगमेशन और मर्जर के केस में सेक्शन 87 को ध्यान में रखते हुए लायबिलिटी कैसे आएगी। बिल्कुल आप ब्लैंक होगे, आपको कुछ भी याद नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको ये बात बता दूं, जब भी अमलगमेशन और मर्जर होगा, और जिन्होंने भी इंडस्ट्री में अमलगमेशन मर्जर हैंडल किया होगा, दो मिनट में फटाफट बता देता हूँ, तो ऐसे केस में और बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट हुआ होगा, यानी कोर्ट के ऑर्डर से अमलगमेशन मर्जर हुआ होगा, तो कभी कभी कोर्ट जो ऑर्डर होती है वो उसकी इन्फोर्सेबल डेट, इफेक्टिव डेट, प्रीवियस डेट होती है, मतलब 6 महीने पहले, 5 महीने पहले से आपको अमलगमेटेड माना जाएगा। अब समझ लो आज की डेट जो है, अज्यूम करो आज का डेट जो है 10 जून है, ओके, तो अब यहाँ पे आज का डेट जो 10 जून है, तो ये सिचुएशन में आज कोर्ट का ऑर्डर आया, और ये कोर्ट का ऑर्डर आया कि भाई आप 15 जनवरी से अमलगमेटेड माने जाओगे, तो एनफोर्सिएबल डेट लास्ट डेट से, ठीक है। तो अब ये सिचुएशन में ये जो दो कंपनी अमलगमेट हुई है, तो 15 जनवरी से लेके 10 जून तक इन दोनों में ट्रांजेक्शन हुए। अब ट्रांजेक्शन हुए और सप्लाई भी हुआ, जीएसटी भी पे किया गया, ओके, तो इन दोनों में सेल परचेज भी हुई। तो अब एक क्वेश्चन आ जाएगा पिक्चर में कि 15 जनवरी से लेके 10 जून तक, ओके, ये दोनों में ट्रांजेक्शन हुए, जीएसटी भी पे हुआ, क्योंकि तब वो दो अलग अलग पर्सन थे, लेकिन अब कोर्ट के ऑर्डर से वो 15 जनवरी से ही अमलगमेटेड सिंगल पर्सन माना जाएगा। तो क्या ये पीरियड में जो टैक्स पे किया गया या जो ट्रांजेक्शन किए गए उस पर लाइबिलिटी क्या होगी, यानी 15 जनवरी से लेकर 10 जून तक जो ऑलरेडी ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, तो उस पर लाइबिलिटी किस तरह से होगी, ये मेन पॉइंट है अमलगमेशन के केस में। तो बस इस पॉइंट पे ही आपको आंसर लिखना है, ओके। ऑब्वियसली ये जो है बहुत डिटेल में दिया है, ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्ड में हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ओके, तो फिर से मैं कह दूं कि जरूरी नहीं है कि लीगल लैंग्वेज में आपका आंसर आना चाहिए। देखो मैं कैसी लीगल लैंग्वेज को सिंपल वर्ड में यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ, तो जब भी आप सेक्शन और रूल्स लिखते हो तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे एग्जैक्टली वैसी लैंग्वेज आना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सो आकांक्षा, ओके, आपने शायद पुराने लेक्चर्स नहीं किए हैं, मैं बार बार यही कहता रहा हूँ कि सेक्शन कोड कर दो और सिंप्लीफाइड वर्ड में आप लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, सेक्शन 87 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 स्टिपुलेट दैट, ओके, एक छोटी सी बात बता दूँ आपको, सेक्शन 87 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, और बहुत सी बार स्टूडेंट ईयर भूल जाते हैं तो फिर ईयर की जगह ब्लैंक स्पेस रख देते हैं, ऐसा मत करना। एज पर ईयर नहीं याद होगा तो एज पर सीजीएसटी एक्ट, पर ये तो एक्ट रह जाएगा क्योंकि 2017 में जीएसटी आया, तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। पहले मैं रीड करता हूँ फिर इसको सिंपल वर्ड्स में हम कन्वर्ट करते हैं। स्टिपुलेट दैट व्हेन टू और मोर कंपनीज आर अमलगमेटेड और मर्ज इन परस्यूएंस ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल और अदरवाइज एंड अदर ऑर्डर टू टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट अर्लियर टू डेट ऑफ ऑर्डर एंड एनी टू और मोर सच कंपनीज हैज सप्लाइड और रिसीव्ड द गुड्स। अब देखो इसमें बड़े, अगर आप रीड करने जाओगे ना तो पढ़ना भी बोर हो जाएगा आपको, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज किए हैं, ओके। तो उनका कहना क्या है, देखो उनका कहना, और आप समरी पॉइंट्स अगर साथ में निकाल रहे हो तो कौन से पॉइंट्स आपके निकलने चाहिए, ओके। अब उन्होंने कहा स्टिपुलेट दैट व्हेन टू और मोर कंपनीज आर अमलगमेटेड और मर्ज, इसके जगह आप सिंपल वर्ड में लिख सकते हो इन केस ऑफ अमलगमेशन बिटवीन टू, अमलगमेशन ऑफ टू कंपनीज, ओके, टू और मोर कंपनीज इन परस्यूएंस ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट और डिसीजन, इसको अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। मैं जस्ट कुछ एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, मैं पूरा तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, पर मैं जस्ट बताना चाहता हूँ कि कैसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ओके, इन केस ऑफ अमलगमेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज, ओके, ऑन ऑर्डर ऑफ कोर्ट, अब कोर्ट ट्रिब्यूनल और अदरवाइज इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ऑन ऑर्डर ऑफ कोर्ट भी लिख दिया तो भी चलेगा, कोर्ट की ऑर्डर से, दैट्स ऑल, ओके, एंड दैट ऑर्डर टेक इफेक्ट अर्लियर दैन द डेट ऑन विच ऑर्डर इज इश्यूड, या फिर इसको ऐसा भी वर्ड लिख सकते हो कि दैट ऑर्डर हैज टेकन इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम अर्लियर डेट, ऐसा भी वर्ड्स आप डाल सकते हो। देन टू और मोर सच कंपनीज हैव सप्लाइड और रिसीव एनी गुड्स और सच सर्विसेज टू और फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कमेंसिंग ऑन द डेट फ्रॉम विच द ऑर्डर टेक इफेक्ट टिल द डेट ऑफ ऑर्डर, देन सच ट्रांजेक्शन वुड ऑफ सप्लाई एंड रिसीव शैल बी इंक्लूडेड इन टर्नओवर ऑफ सप्लाई ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिस्पेक्टिव कंपनीज एंड दे शैल बी लायबल टू पे टैक्स अकॉर्डिंगली। हाँ, तो अब इसमें पॉइंट्स कैसे करना, ओके, इमीडिएटली आपने जाके करना है बेटा, ठीक है। तो अब पहला पॉइंट है कि इन केस ऑफ अमलगमेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ओके, पहला पॉइंट कि ऑर्डर ऑफ कोर्ट से आया,
टू और मोर कंपनीज का अमल कमीशन हुआ एंड द ऑर्डर हैज बीन गिवन अर्लियर, इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर इज अर्लियर देन द डेट ऑफ एक्चुअल ऑर्डर. तो वॉट एवर द सप्लाई मेड बिटवीन दिस टू कंपनीज ड्यूरिंग दिस पीरियड, हाँ सिंपल वर्ड में वॉट एवर द सप्लाई मेड बिटवीन दिस टू कंपनीज ड्यूरिंग दिस पीरियड that would be treated as a supply liable to GST and also included in the turnover of both the companies. Okay, turnover of both the companies मतलब जो supply कर रहा है उसके turnover में भी add होगा और जो receive कर रहा है तो उसके purchases में भी add होगा. ठीक है, तो इसके sales में add होगा तो उसके purchases में add होगा. तो थोड़ा simplify करो, हमारे main points है कि उसके turnover में aggregate में होना चाहिए और उसके ऊपर tax liability आएगी और वो supply माना जाएगा. और इस main points में simple word में अभी के अभी मेरे साथ आपने class होने के बाद convert कर लेना. दूसरे paragraph में वो क्या कहते हैं, for the purposes of CGST Act 2017 the said two or more companies shall be treated as distinct companies for the period up to the date of said order. हाँ, तो ये और एक पॉइंट आपको ऐड करना है और वो कैसे कि दे आर ऑल्सो ट्रीटेड एज डीम डिस्टिंक्ट पर्सन ओके फ्रॉम द डेट व्हेन द ऑर्डर गेट इफेक्टिव टिल द डेट ऑफ सच ऑर्डर. ठीक है, तो वो सेपरेट कंपनीज मानी जाएगी. तो ऐसे पॉइंट्स लिख देना, इट विल बी एडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर, लायबल टू पे जीएसटी एंड ऑल्सो ट्रीटेड एज डीम डिस्टिंक पर्सन बिटवीन दिस पीरियड. ओके, तो ये बेस्ट पॉइंट आपने लिख लिया, सिंपल वर्ड्स में लिखा, मार्क्स मिल गया आपको. नाउ क्वेश्चन नंबर टू, चलो आते हैं यहाँ पे. Discuss the liability. I repeat, don't make any question. Yes, what is where is CA power and what? Okay, don't unnecessarily disturb beta. Discuss the liability to pay tax, interest or penalty, or death of a person liable to pay tax, interest or penalty as per the provision of section 93(1) of CGST Act. हाँ, अब देखो यहाँ पे wordings क्या है. टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी ऑन डेथ ऑफ अ पर्सन लायबल टू पे टैक्स, मतलब अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो वो केस में लायबिलिटी कैसे आएगी. तो यहाँ पे आंसर में जैसे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी इनमें दो पार्ट में डिवाइड किया, बिजनेस इज कंटिन्यूड आफ्टर डेथ और बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड. आप कॉमन सेंस में भी लिख सकते हो, यहाँ पे जरूरी नहीं कि सेक्शन को याद आना चाहिए. आप कॉमन सेंस में ऐसा भी लिख सकते हो कि भाई अगर बिजनेस कंटिन्यू होगा तो लीगल हेयर देगा और डिसकंटिन्यू होगा तो उसके वो बिजनेस की जो प्रॉपर्टी होगी उसमें से पे किया जाएगा. बस उन्होंने ये किया और ऑलरेडी ये शॉर्ट है, इसको शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है. इफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय अ पर्सन इज कंटिन्यूड After his death by his legal representative, ये important word है, यह आना चाहिए, or any other person, such legal representative or other person shall liable to pay tax, interest or penalty due from such person under this act. मतलब ये liability legal representative पे आएगी या other person who continuing the business उसके पर आएगी. तो ये दो line आपके आनी चाहिए. और business is discontinued तो जो उसकी स्टेट होगी वो स्टेट से ओके ऑफ दैट डिसीज पर्सन ओके टू दैट एक्सटेंट ऑफ दैट स्टेट वो पेमेंट किया जाएगा. ओके, तो हाँ अब समझ लो आपका टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जो है 50 करोड़ होगा ओके डिसीज पर्सन का और उसकी स्टेट 20 करोड़ की होगी तो टू द एक्सटेंट ऑफ हिज स्टेट ही पे किया जाएगा, उससे ज़्यादा पे नहीं किया जाएगा. ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थ्री, ये थ्योरेटिकल डिस्कशन था, ये चैप्टर भी बेटा पूरा थ्योरेटिकल है इसलिए इसमें ऐसा स्पेशल डिस्कशन लायक कुछ नहीं है. ठीक है, पर इसके बाद का चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है. विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 एक्सप्लेन द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म टू पे टैक्स. हाँ, अगर पार्टनरशिप फर्म होगी तो उसकी लायबिलिटी क्या होगी, पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होगी. तो सेक्शन 90 साइड में आप रेफर कर सकते हो, सेक्शन 90 में पार्टनर्स की क्या लायबिलिटी होगी वो उन्होंने डिटेल में दिया है. तो सेक्शन 90 में देखो, पार्टनर्स ऑफ फर्म जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी ऑफ द फर्म. सो वर्डिंग्स देखो क्या है, नॉट विस्टैंडिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी एंड एनी अदर लॉ फॉर टाइम इन फोर्स एनी फर्म इज लायबल टू पे एनी टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी अंडर दिस एक्ट. The firm and each of the partners are jointly and severally be liable for such payment. अब देखो इसमें ये पैराग्राफ में आप क्या कट शॉर्ट कर सकते हो, ये टाइटल्स दोगे तो अच्छी बात है लेकिन नॉट विस्टैंडिंग टू एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्री एंड एनी अदर लॉ फॉर टाइम इन फोर्स, ये लाइन आपने नहीं भी लिखा तो चलता है. सिंपल वर्ड में लिखा कि इन केस ऑफ लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी एंड एक्सेट्रा फर्म एज वेल एज पार्टनर
ओके यहाँ पे जॉइंटली एंड सेवरली, सेवरली मतलब जॉइंटली तो फर्म लायबल ही होगी प्लस अलग अलग भी सेवरली लायबल किया जाएगा फॉर सच पेमेंट। उसके बाद में बेटा रिटायरिंग पार्टनर, ये पॉइंट भी वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन में पार्टनर्स की क्या लायबिलिटी, ये तो आपने दो लाइन में आंसर लिख दिया कि भाई वो जॉइंटली और सेवरली लायबल होगे, ये आपने दो पॉइंट में आंसर तो लिख दिया बेटा। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि अगर रिटायरिंग पार्टनर होगा तो वो रिटायरिंग पार्टनर क्या करेगा, तो यहाँ पे देखिए रिटायरिंग पार्टनर लायबल टू पे एनी टैक्स और इंटरेस्ट और पेनल्टी ऑफ द फर्म ड्यू अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। वेयर एनी पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म ही और द फर्म शैल इंटीमेट द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सेड पार्टनर टू कमिश्नर, ये वर्ड आना चाहिए, बाय नोटिस इन दैट बिहाफ इन राइटिंग एंड सच पार्टनर शैल लायबल टू पे टैक्स और इंटरेस्ट और पेनल्टी ड्यू अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट वेदर डिटरमाइन और नॉट ऑन दैट डेट। हाँ अब देखो रिटायरिंग पार्टनर क्या, तो ऐसे सिचुएशन में ये पॉइंट क्या कहता है और ये पॉइंट आपने जरूर लिखना चाहिए कि अगर रिटायरिंग पार्टनर होगा बेटा तो उस वो कौन सी डेट को रिटायर हो रहा है, उस वो इंटीमेट होना चाहिए कमिश्नर को, आइदर पार्टनर ने इंटीमेट करना चाहिए या फर्म ने इंटीमेट करना चाहिए। हाँ पर वो रिटायरिंग पार्टनर इंटीमेशन के डेट के पहले जो भी लायबिलिटी रहेगी उस लायबिलिटी के लिए वो लायबल रहेगा। ओके However, if no such intimation is given within 1 month, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने इंटीमेशन विद इन 1 month नहीं दिया रिटायरिंग पार्टनर ने, तो फिर यहाँ पे लाइबिलिटी ऑफ सच पार्टनर शैल कंटिन्यू अनटिल द डेट ऑन विच सच इंटीमेशन इज रिसीव्ड बाय कमिश्नर। तो ये दोनों पॉइंट्स आने चाहिए, तो ये क्वेश्चन में आपके कितने पॉइंट्स आने चाहिए, पहला जॉइंटली और सेवरली लाइबल है एज पर सेक्शन 90, रिटायरिंग पार्टनर होगा तो 1 month के अंदर इंटीमेशन देना पड़ेगा, तो वो आफ्टर इंटीमेशन लायबल नहीं होगा बट प्रायर पीरियड के लिए लायबल होगा। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे ओके थर्ड, अगर उसने इंटीमेशन नहीं दिया विद इन 1 month तो जब तक कमिश्नर को इंटीमेशन नहीं आती है तब तक वो लायबल रहेगा, ये पॉइंट्स आपके कवर होना चाहिए। नाउ उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू द लायबिलिटी फॉर GST इन केस ऑफ कंपनी इन लिक्विडेशन। ओके सेक्शन 88 लगभग सभी इंपॉर्टेंट इसमें कवर कर लिया है, यानी ये चैप्टर के लिए आप इतने भी क्वेश्चंस पढ़ के जाओगे तो मुझे लगता है इनफ है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें उन्होंने कवर कर लिया है। ओके तो यहाँ पे एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू लायबिलिटी ऑफ GST इन केस ऑफ कंपनी इन लिक्विडेशन, कंपनी अगर लिक्विडेशन में गई तो क्या लायबिलिटी है, तो इसमें नो डाउट सेक्शन 88 उन्होंने कोट किया है। सर ये चैप्टर में सेक्शन याद रखे क्या, छोड़ो जाने दो, ये चैप्टर में मैं आपको कहूँगा कि आपने पॉइंट्स भी याद रख लिए तो मोर देन इनफ, सेक्शन आपको सेपरेटली याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो क्या प्रोसेस है, ओके वेयर एनी कंपनी इज बीइंग वाउंड अप वेदर अंडर द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल और अदरवाइज एवरी पर्सन अपॉइंटेड एज अ लिक्विडेटर और रिसीवर ऑफ द असेट ऑफ अ कंपनी शैल गिव द इंटीमेशन ऑफ हिज अपॉइंटमेंट टू द कमिश्नर विद इन 30 days। मतलब ओके पहला पॉइंट क्या रहेगा, तो पहला पॉइंट आपका जो भी लिक्विडेटर अपॉइंट होगा या रिसीवर ऑफ द असेट अपॉइंट होगा वो 30 दिन के अंदर कमिश्नर को इंटीमेट करेगा, लिक्विडेशन अगर हो तो लिक्विडेटर इंटीमेट करेगा उसका अपॉइंटमेंट। दूसरा कमिश्नर शैल असर्टेन द अमाउंट विच इन हिज ओपिनियन कमिश्नर वुड बी सफिशियंट टू प्रोवाइड एनी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी विच इज देन और लाइकली देर आफ्टर बिकम पेएबल। इसको आप सिंपल वर्ड में लिख सकते हो कि कमिश्नर विल इंटीमेट द अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी और इंटरेस्ट और पेनल्टी विच ऑलरेडी ड्यूड और इन फ्यूचर पेएबल, ऐसे भी वर्ड्स आप लिख सकते हो कि अभी जो ड्यू हो चुकी है और फ्यूचर में पेएबल है। ही शैल कम्युनिकेट द डिटेल्स विद इन 3 months ओके टू द लिक्विडेटर, लिक्विडेटर को 3 महीने के अंदर डिटेल्स भेज देगा कि कितना अमाउंट पेएबल है। व्हेन एनी प्राइवेट कंपनी इज वाउंड अप and any tax interest or penalty determined under CGST Act on the company for any period, whether before or in the course or after its liquidation, cannot be recovered, then every person who was the director of such company or any time during the period for which tax was due shall jointly or severally liable. अब देखो ये पॉइंट में वो क्या कह रहे हैं, ये पॉइंट में कि अगर प्राइवेट कंपनी है और वो वाउंड अप हुई है तो वो केस में वॉट इज द लाइबिलिटी ओके ऑफ दैट प्राइवेट कंपनी फॉर सच लाइबिलिटी। ओके यहाँ पे डायरेक्टर्स एज वेल एज कंपनी जॉइंटली और सेवरली लायबल हो गए, ये पॉइंट भी वो कवर कर रहा है। और नेक्स्ट हाउएवर डायरेक्टर शैल नॉट बी लायबल इफ ही प्रूव्स टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ कमिश्नर दैट नॉन रिकवरी कैन नॉट बी एट्रिब्यूटेबल टू हिज निगलेक्ट ओके
neglect or misfeasance or breach of duty on his part in relation to affairs of the company. ओके सिंपल वर्ड में आपने निगलेक्ट भी लिखा तो भी चलेगा या ब्रिज भी लिखा तो भी चलेगा. मतलब क्या, अगर डायरेक्टर ये प्रूव कर दे कि व्हाट एवर द ऑफेंस हैज डन ओके इज इट इज नॉट एट्रिब्यूटेबल टू हिज निगलेक्ट, मतलब उसने पूरी कोशिश की कि ऐसा ना हो लेकिन वो ऑफेंस हो गया, और नॉट अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी, उसकी जो ड्यूटी थी उसने प्रॉपरली फॉलो किया और उसके ड्यूटी में उसने कोई यहाँ पे ब्रीच नहीं किया, तो फिर वो केस में वो डायरेक्टर लायबल नहीं होगा. तो ये क्वेश्चन में आपको कितने पॉइंट्स कवर करना है, पढ़ना कैसे, सिंपल वर्ड में आपको घर पे डिजाइन करना है कितने पॉइंट्स कवर करना है. पहला, अगर लिक्विडेशन में गई तो लिक्विडेटर ओके टाइटल्स याद रखो, लिक्विडेटर इंटीमेट करेगा ओके विद इन 30 डेज, कमिश्नर जो है आफ्टर इंटीमेशन कमिश्नर टैक्स लाइबिलिटी इंटरेस्ट पेनल्टी डिटरमाइन करेगा, 3 मंथ्स में कम्युनिकेट करेगा. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर लिक्विडेट होती है तो वो केस में डायरेक्टर्स एंड कंपनी ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल होगा फॉर सच ड्यूज. ओके आप इतना टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी, इसको एक शॉर्ट वर्ड भी यूज कर सकते हो ओके व्हाट दैट एनी ड्यूज पेबल टू द गवर्नमेंट, ये वर्ड भी यूज कर सकते हो. तो आपने बहुत सा टाइम बचा लिया, बहुत से वर्ड्स का आपने टाइम बचा लिया. ओके नाउ लास्ट वाला पॉइंट कि डायरेक्टर अपने आप को कैसे बचा सकता है. तो डायरेक्टर अपने आप को ऐसे बचा सकता है बेटा कि अगर वो ये प्रूव कर दे कि व्हाट एवर द ऑफेंस डन इज नॉट एट्रिब्यूटेबल टू, आई रिपीट नॉट एट्रिब्यूटेबल टू हिज निग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी, तो अपने आप को बचा सकता है. या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे कि मिसफिसेंस अगर होगा तो वो भी अपने आप को बचा सकता है. ये पॉइंट हमने डिस्कस किया. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, ये कम्प्लीटली थ्योरेटिकल है, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं आएगा क्योंकि सीधा सीधा थ्योरी लिखना है. इसके पहले के सेशंस हमारे बड़े इंटरेस्टिंग थे, मैंने बहुत से पॉइंट्स आपको समझाए ओके, पर ये थ्योरेटिकल डिस्कशन है. नाउ नेक्स्ट बेटा, हाँ एक क्वेश्चन आया कि व्हाट अबाउट पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी के केस में डायरेक्टर्स जो है, डायरेक्टर्स यहाँ दिया नहीं है, पर जहाँ तक देखा जाए तो पब्लिक के कंपनी में डायरेक्टर्स के जगह पर्सन इन चार्ज वर्ड है. मतलब जो भी पर्सन इन चार्ज होगा ओके और जिसके अंडर में ये ऑफेंस हुआ होगा ओके वो लायबल रहेगा. और प्राइवेट में स्पेशली लायबिलिटी डायरेक्टर्स पे क्रिएट की है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में इन चार्ज ऑफ द पर्सन हु इज कंट्रोलिंग द अफेयर वो लायबल रहेगा, फिर वो मैनेजर हो या डायरेक्टर हो या कोई भी हो. ओके डन बेटा, चलिए और यहाँ का लास्ट क्वेश्चन ये चैप्टर का, डिस्कस द लायबिलिटी ऑफ रिटायरिंग पार्टनर ऑफ द फर्म टू पे एनी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी इफ एनी लेवियबल अंडर द फर्म ऑफ CGST, IGST और SGST एक्ट. देखो, वेर एनी पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म ही और फर्म शैल इंटीमेट, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इंटीमेट द डेट ऑफ रिटायरमेंट टू द कमिश्नर by notice in this behalf in writing. Such partners are liable to pay tax, interest or penalty due up to the date of retirement. Okay, तो penalty due up to the date of retirement. और अगर उसने intimation नहीं दी तो जब तक intimation नहीं आएगी तब तक liable रहेगा. तो बेटा यहाँ पे repeated question था. तो इस तरह से इतने questions हमने cover किए. ये chapter अगर आप इतना भी पढ़ के जाओगे तो enough है. अगर आपको time नहीं मिला, आपके पास enough time है, exam भी postponed हो गई है, तो आप तो पूरा ही पढ़ के जाओ. नहीं अदरवाइज ये question answer format में भी आप पढ़ के गए तो भी चलेगा. तो चलो दोस्तों, ये हमने एक theoretical chapter था, हमने discuss किया. Specially इसमें ऐसा कुछ नहीं था. अब next जो चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो आप किसी भी हालत में अच्छे से करके जाना, आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस रहेंगे वो चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे ऑफेंस पेनल्टीज वगैरह एंड प्रोसिक्यूशंस, ऑफेंस पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन. इसमें क्वेश्चंस भी अच्छे खासे कवर किए गए हैं और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा. ओके मैं कहूँगा कि चैप्टर पूरा लर्न करके जाना. हाँ, उसमें बहुत सारी सिचुएशन है ऑफेंस के वगैरह, लेकिन पहले ये क्वेश्चन कर लेना. इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे. और चैप्टर भी जितना आप कंटिन्यूस रीडिंग में लो, लर्न नहीं होगा पर अगेन लर्न बाय डूइंग इट, जितना कंटिन्यूस रीडिंग में लोगे, जितना उसको एनालाइज करोगे, उसके चार्ट्स बनाओगे, टेबल्स बनाओगे, उतना आपको हेल्प होगा. ठीक है, तो ये चैप्टर लेते हैं बेटा. तो चलो, आर यू रेडी? सभी यस कहो, यस थम दो बेटा. चलिए अब हम देखते हैं ऑफेंस एंड पेनल्टीज.
ठीक है, तो अब हाँ, अब कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना होगा कि सर रिवीजन कर दो पहले। कोई ज़रूरत नहीं रिवीजन की, मैं बुक आपके साथ रखता हूँ, आप भी बुक ओपन करके रखो, हम डायरेक्ट बुक में से ओके आंसर ढूंढेंगे, हम साथ में ढूंढेंगे, ठीक है, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे, और जितना मेरे साथ क्वेश्चन आंसर में रिवाइज होता है उतना तो कर लो, अच्छे से कर लो, वो सेक्शन अच्छे से कर लो, दैट्स इनफ। तो यहाँ पे केस स्टडी पहली, राधा स्वामी ओन एंड सप्लाई सर्टेन गुड्स, ठीक है, एनालिसिस चालू करो, साइड में पेज लो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना शुरू करो। यस, कम ऑन कम ऑन, डोंट बी डल हियर, ओके, मेरे साथ पूरा एनालिसिस आप स्टार्ट करना। राधा स्वामी ओन एंड सप्लाई सर्टेन गुड्स कॉस्टिंग ₹30 लाख इन अ कन्वेंस हायर फ्रॉम मनीकरण ट्रांसपोर्टर, ओके लिखो, राधा स्वामी ओनर ऑफ द गुड्स कॉस्ट 30 लाख, पहला एनालिटिकल पॉइंट। दूसरा, हायर्ड कन्वेंस मनीकरण ट्रांसपोर्टर, शॉर्ट में लिख दो। मार्केट वैल्यू, नेक्स्ट लिखो, मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स 40 लाख, मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स 40 लाख। टैक्स चार्जेबल 4,80,000, टैक्स चार्जेबल 4,80,000, ठीक है, पॉइंट लिख लिया। नेक्स्ट, गुड सप्लाइड बाय राधा स्वामी एंड द कन्वेंस ओन बाय हियर मनीकरण ट्रांसपोर्टर यूज फॉर कैरेज ऑफ सच गुड्स आर कॉन्फिस्केटेड सिंस राधा स्वामी हैज सप्लाइड द सेड गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द CGST एक्ट, लिखो, कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस, नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्फिस्केशन हुआ है गुड्स एंड कन्वेंस, ठीक है, जो सप्लाई हो विथ इंटेंट टू एवेड द पेमेंट ऑफ टैक्स। हाउएवर द प्रॉपर ऑफिसर इंटेंट टू गिव एन ऑप्शन टू राधा स्वामी एंड मनीकरण ट्रांसपोर्टर टू पे इन लियू ऑफ कॉन्फिस्केशन, फाइन, ओके लिखो नेक्स्ट एनालिसिस में पॉइंट, ऑफिसर डिमांडिंग कॉन्फिस्केशन फाइन, इसको रिडेम्पशन फाइन भी कहते हैं, कॉन्फिस्केशन फाइन, डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन इन लियू ऑफ कॉन्फिस्केशन, ओके, कैलकुलेशन ऑफ फाइन एनालिसिस में, इफ गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन एंड कन्वेंस यूज फॉर कैरेज ऑफ सच गुड्स, मतलब गुड्स पे कितनी कॉन्फिस्केशन फाइन होगी और कन्वेंस यूज फॉर कैरेज ऑफ सच गुड्स, ठीक है। अब एनालिसिस एनालिसिस जो किया, एक बार एनालिसिस हमने जो किया देखो फटाफट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, राधा स्वामी ओनर ऑफ द गुड्स, कॉस्ट प्राइस है 30 लाख, मार्केट वैल्यू है 40 लाख, टैक्स है 4,80,000। दूसरा, यहाँ पे दूसरा कन्वेंस का ओनर कौन है, तो यहाँ पे कन्वेंस का ओनर है मनीकरण ट्रांसपोर्टर, ओके, इवेजन किया है, सेक्शन 130 के तहत कॉन्फिस्केशन हुआ है, हमें कॉन्फिस्केशन कौन सी केस में होता है वो आंसर नहीं लिखना है, अननेसेसरी डाइवर्ट मत करना, हमें सिर्फ कॉन्फिस्केशन फाइन निकाल के देना है। अब जो स्टूडेंट्स को पता नहीं है, मैं 2 मिनट में रिवाइज कर दूँ, ये कॉन्फिस्केशन फाइन क्या होती है। कॉन्फिस्केशन फाइन ये होती है बेटा कि अगर आपका गुड्स कॉन्फिस्केट कर लिया जाए, कॉन्फिस्केशन मतलब ओनरशिप राइट ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट इन केस ऑफ सीजर, यानी आपका गुड सीज कर लिया गया और जहां ओनरशिप राइट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी गई उसे कॉन्फिस्केशन कहते हैं, यानी गवर्नमेंट पोजेशन गुड्स का ले चुका है। दूसरी बात बेटा, यहां पे मैं आपको कह दूं कि गवर्नमेंट को कंपलसरी एक ऑप्शन देना पड़ता है आपको, ओके, कि आप अपना गुड्स वापस ले लो इन लियू ऑफ फाइन, मतलब इन एडिशन टू टैक्स, ध्यान से सुनना, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी ये जो लगेगी वो लगेगी, इन एडिशन टू दैट आपको कॉन्फिस्केशन फाइन अलग से देना पड़ता है, यानी आपका गुड्स अब गवर्नमेंट ओनर हो गया, उसको छुड़ाने का एक्स्ट्रा फाइन देना पड़ेगा। सर हमने पेनल्टी दे दी उसके बाद भी, यस सर, बट पेनल्टी भी लगेगा और कॉन्फिस्केशन फाइन भी लगेगा, यस, समझ में आया। तो ऐसे सिचुएशन में ये कॉन्फिस्केशन फाइन तो गुड्स छुड़ाने का है और बाकी अरेस्ट तो होगा, प्रोसिक्यूशन तो होगा, यानी टैक्स भी गियो, इंटरेस्ट भी गियो, ओके, पेनल्टी भी गियो, गुड्स भी गियो और मैं भी गियो, अरेस्ट भी हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में कॉन्फिस्केशन फाइन आपको लगेगा ही। तो अब यहाँ पे कितनी कॉन्फिस्केशन फाइन है, कुछ याद आ रहा है? ओके, डरना मत, नहीं भी याद आया तो डरना मत, अभी पढ़ लेंगे, खत्म, ओके। तो कॉन्फिस्केशन फाइन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में, मुझे याद है एक्साइज में ये क्वेश्चन 10 साल में कम से कम 6 बार पूछा था, तो इस बार GST में आने के चांसेस है कॉन्फिस्केशन फाइन निकालने के। तो आपका गुड्स आपको छुड़वाना है तो आपको कॉन्फिस्केशन फाइन देनी पड़ेगी। कुछ याद आ रहा है किसी को? चलो आंसर दो बेटा। हाँ अंशिका, ग्रेट,
ओके, अगर आपने बिना पढ़े बताया होगा तो करेक्ट है, मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स चार्ज, मतलब जो गुड्स छुड़वाना है तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है माइनस जितना टैक्स लगा, इतना मैक्सिमम कॉन्फिस्केशन फाइन है। कम हो सकता है पर मैक्सिमम कॉन्फिस्केशन फाइन है गुड्स का। तो इसके लिए उन्होंने जो है यहाँ पे आंसर में सेक्शन 130 रेफर किया। आप सेक्शन 130 बुक में जाओगे तो मैं यहाँ पे बुक में आपको बता दूँ, फटाफट फटाफट आइए बेटा मेरे साथ। आज किसी के पास अगर पुरानी बुक होगी तो पेज नंबर इधर उधर दो तीन पेज नंबर हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे और आपकी कॉन्फिस्केशन फाइन सेक्शन 130 में कवर किया गया है, और सेक्शन 130 आई थिंक पेज नंबर 633 पे होगा, क्वेश्चन नंबर 7 होगा, पेज नंबर इधर उधर हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 7 होगा, और उसमें कॉन्फिस्केशन फाइन दी गई है। अगर आप वो पढ़ोगे तो आपके गुड्स का कॉन्फिस्केशन फाइन होगी और वो होगी मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स माइनस यहाँ पे ठीक है मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स माइनस टैक्स चार्ज। तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो आप पढ़ोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। अब इससे आप क्या सीखोगे, मैं आपको एक बात बता दूं, इससे आपको ये सीखना है कि कभी कभी जो सेक्शन 132 इतना बड़ा आपने पढ़ा, पूरी प्रोसीजर पढ़ी, उसके पॉइंट पढ़े और पूछा क्वेश्चन कैसे ऐसा कि भाई सिर्फ फाइन निकालो, तो आप क्या होता है अब कैसे करते हो कि इतना बड़ा क्वेश्चन देख के उसके पॉइंट्स देख के आप क्वेश्चन इग्नोर कर देते हो। इससे ज्यादा मैं ये कहूंगा कि ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, इसमें लर्न करने के बजाय पॉइंट्स निकालना कि मुझे कहाँ ध्यान देना है, क्योंकि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि 132 में कॉन्फिस्केशन होगा तो आपको कॉन्फिस्केशन फाइन कितना देना पड़ेगा, कभी नहीं आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में मैं आपको इतना कहूंगा कि आपको ये सीखना पड़ेगा कि ये जो प्रोसीजरल पार्ट है इसमें इतना ज्यादा पढ़ने के बजाय कौन से मेन पॉइंट्स पे हमने ध्यान देना चाहिए, कितनी कॉन्फिस्केशन फाइन है, कैसे कैलकुलेट होता है। तो आपको 132 देना है और कॉन्फिस्केशन फाइन मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स लेस देन टैक्स चार्ज, उसके ऊपर टैक्स कितना चार्ज होगा। तो अब बेटा यहां अगर ये प्रॉब्लम पढ़ोगे तो प्रॉब्लम में जीएसटी रेट नहीं दिए है, तो यहां ये सरप्राइजिंग है, जीएसटी रेट नहीं दिए पर उन्होंने अज्यूम किए जीएसटी रेट यहां पे, और हमने भी नोट में ये लिख देना जीएसटी रेट अज्यूम किए। तो मार्केट वैल्यू 40 लाख है और उसका उन्होंने टैक्स निकाला है 4,80,000, यानी कितना जीएसटी रेट उन्होंने अज्यूम किया है बेटा बताओ, चलो कितना अज्यूम किया है, 12%। ओके, 12% जीएसटी रेट उन्होंने अज्यूम किया है। तो मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि 12% जीएसटी रेट, या आप 18 भी अज्यूम कर सकते हो, उसकी नोट डाल देना। तो उन्होंने 12% अज्यूम किया है क्योंकि प्रॉब्लम में मुझे तो कहीं जीएसटी रेट नहीं दिखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये 4,80,000 कहाँ से आए, तो ये अज्यूम किए गए, यहाँ लिख देना जीएसटी रेट अज्यूम, और वो है 12%, उन्होंने अज्यूम किया है। ठीक है, उतना डिडक्ट कर लेना। आप यहाँ पे 18 भी अज्यूम कर सकते हो, यहाँ पे 28 भी अज्यूम कर सकते हो, आपकी मर्जी। और कन्वेंस पे कितना, क्योंकि कन्वेंस पे भी आपका कन्वेंस आपका ट्रक लेके गया तो उसके ऊपर भी रिडम्पशन फाइन है। आपको अगर छुड़वाना है कन्वेंस, स्पेशली ट्रांसपोर्टर को, तो ट्रांसपोर्टर को छुड़वाना है तो वहाँ थर्ड प्रोविजो में दिया है और वो इक्वल्स टू टैक्स पेबल ऑन द गुड बींग ट्रांसपोर्टेड। यानी कन्वेंस छुड़वाना है तो फिर वो केस में जितना टैक्स आ रहा है कौन से गुड्स पे, जो गुड्स वो ट्रांसपोर्ट कर रहा था, तो टैक्स हमने 4,80,000, तो यहाँ पे हाँ टैक्स अमाउंट दिया है। अब करेक्ट करेक्ट, आई एग्री कि इन्होंने टैक्स अमाउंट दिया है, तो यहाँ पे रेट जो है नहीं पर टैक्स अमाउंट यहाँ पे दिया है बेटा, तो उस पर से आप रेट कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, यस आई एग्री आई एग्री, वो मैंने को लगा कि टैक्स अमाउंट नहीं दिया है पर यहाँ दिया है बेटा 4,80,000, तो आप उतना ले सकते हो और इतना कैलकुलेशन आप कर सकते हो। अब यहाँ एक सवाल ये है कि सर सेक्शन 122 का भी पेनल्टी आएगा क्या? अब
डेफिनेटली आएगा 122 का पेनल्टी, पर आपका आंसर क्यों डाइवर्ट करना? आपका आंसर जो है रिगार्डिंग टू कॉन्फिस्केशन फाइन है। अगर आपका आंसर सिर्फ कॉन्फिस्केशन फाइन है तो रिस्ट्रिक्ट टू दैट एक्सटेंड यार, क्यों अननेसेसरी आप एक्सटेंड कर रहे हो कि 122 एक्सेट्रा। 122 कॉन्ट्रावेंशन है, उसमें भी तो पेनल्टी लगेगा, पर उन्होंने कॉन्फिस्केशन का पूछा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे चलिए सेकेंड क्लॉज भी देखते हैं। रघुरामन इज रजिस्टर्ड सप्लायर इन मध्य प्रदेश, ठीक है। ही फेल टू पे GST अमाउंटिंग ₹7,400 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020। द प्रॉपर ऑफिसर इम्पोज अ पेनल्टी ऑन रघुरामन यहाँ पे फॉर फेलियर टू पे टैक्स। रघुरामन बिलीव्स दैट इट इज अ माइनर ब्रिज, अंडरलाइन द वर्ड माइनर ब्रिज, एंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 126 ऑफ CGST Act 2017 no penalty is imposable for the minor breaches of tax regulation. Examine the correctness of Raghuraman claim. Okay, दो मिनट के लिए सेक्शन 126 का रेफरेंस लिया है, वो याद तो नहीं रहेगा, लेकिन मैं कहूँगा ये चैप्टर के सेक्शंस जैसे 122 हुआ, 132 हुआ या 130 हुआ, कॉन्फिस्केशन फाइन वगैरह, अगर याद रख सको मेन मेन सेक्शन तो आप जरूर याद रख के जाना। मैं आपको कि हमारा डिस्कशन होने के बाद सेक्शन बता दूंगा, तो वो सेक्शन नंबर अगर आप याद रख पाए तो बहुत अच्छी बात है। ओके, 122 तो याद ही रखना पेनल्टी का, बहुत सी जगह रेफर किया जाता है, 132 प्रोसिक्यूशन का है। तो दोस्तों यहाँ पे यस, यहाँ पे साहिल, आकांक्षा, अनेक, ओके आपने सही आंसर दिया। पर इसके पहले अगर आपको कुछ भी याद नहीं होगा तो मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा, और मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 2 जो है पेज नंबर 630 पे। ओके, मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया है, अभी अभी मेरे साथ पढ़ लो तो याद आ जाएगा। व्हाट आर द जनरल डिसिप्लिन्स टू बी फॉलोड व्हाइल इम्पोजिंग द पेनल्टी। देखो, जब भी ऑफिसर आपके ऊपर पेनल्टी लगाएगा तो वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस देखेगा ही, वो कुछ जनरल प्रिंसिपल्स कंसिडर करेगा ही, वो कुछ जनरल प्रिंसिपल्स आपके कंसिडर करेगा ही। तो देखो यहाँ पे सेक्शन 126 में दिया गया है, और यहाँ और आप मेरे साथ पढ़ोगे वो तीनों भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जामिनेशन। इसके ऊपर आपके एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे हैं, इसलिए ये पूरा अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। क्या क्या है देखो, नो पेनल्टी शैल बी इम्पोज बाय ऑफिसर अंडर दिस एक्ट इफ माइनर ब्रिचेस ऑफ टैक्स रेगुलेशन। अगर माइनर ब्रिचेस करता है तो पेनल्टी ऑफिसर नहीं लगाएगा। अब यहाँ पे ओके, रघुरामन का यही कहना है कि मेरा तो माइनर ब्रिच हुआ है, मेरा माइनर ब्रिच हुआ तो मेरे पे पेनल्टी मत लगाओ। ओके, अब माइनर ब्रिचेस की डेफिनेशन उसके नीचे एक्सप्लेनेशन में दी गई। अ ब्रिच शैल बी कंसिडर एज माइनर ब्रिच इफ अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं, ओनली टैक्स, टैक्स इन्वॉल्व इज लेस देन ₹5,000। अगर आपका टैक्स 5,000 से नीचे है तो ऑफिसर आपको पेनल्टी माफ कर सकता है। ओके, पर लेस देन इक्वल्स टू भी नहीं, लेस देन वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो लेस देन 5,000। तो यहाँ पेनल्टी कितना है बेटा, 7,400। तो ये माइनर ब्रिच के डेफिनेशन में नहीं आता है, और अगर ये माइनर ब्रिच के डेफिनेशन में नहीं आता है तो ऑफिसर पेनल्टी वे नहीं करेगा, और रघुरामन का जो कंटेंशन है वो सही नहीं है। दूसरा, ओके, मैं तीनों भी पढ़ लेता हूँ कि कहाँ पेनल्टी नहीं लगेगी। पहला, माइनर ब्रिच किया गया। दूसरा, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, मतलब कोई प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट थी जो कंप्लाई नहीं हुई। और तीसरा, एनी ओमिशन और मिस्टेक इन डॉक्यूमेंटेशन विच इज इजिली रेक्टिफाइड। हाँ, इजिली रेक्टिफाइड, कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई ओमिशन हुआ, मिस्टेक हुआ जो इजिली रेक्टिफाई हो सकता है, ओके, तो वो केस में पेनल्टी नहीं लगेगी। एक्सप्लेनेशन में उसके बारे में भी कहा है, एरर इज इजिली रेक्टिफाइड इफ एन एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड एंड मेड विदाउट फ्रॉडुलेंट इंटेंशन और ग्रॉस नेग्लिजेंस, एनी ओमिशन और मिस्टेक इन डॉक्यूमेंटेशन विच इज इजिली रेक्टिफाइड। अब इजिली रेक्टिफाइड का मतलब क्या, कि वो डॉक्यूमेंट पे दिख रही है कि ठीक है यार ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, और वो उसको इजिली रेक्टिफाई कर सकते हैं जिसमें कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं है, तो वो केस में यस, आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। मैं वापस से एक पढ़ता हूँ। रघुरामन इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ मध्य प्रदेश, ही फेल टू पे GST अमाउंटिंग टू ₹7,400 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 20। प्रॉपर ऑफिसर इम्पोज अ पेनल्टी ऑन रघुरामन फेलियर टू पे टैक्स। रघुरामन बिलीव्स दैट इट इज अ माइनर ब्रीच एंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ 126 नो पेनल्टी इज इम्पोर्टेबल। तो रघुरामन का यहाँ पे कंटेंशन सही नहीं है। अब सेकंड स्टेप, हमने तो लॉ पढ़ लिया, और मैं जानबूझ के ये चैप्टर को टाइम ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपको कुछ भी याद नहीं आएगा, इसलिए मैं सेक्शन के साथ और क्वेश्चन के साथ आपके साथ रीड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इन केस ऑफ गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन,
maximum amount of fine leviable in lieu of confiscation of first proviso to section 130 of CGST Act is the market value. Sorry, ये एक आया, हम बी पढ़ रहे हैं, सॉरी, बी जो बी यहाँ नीचे दिया है, नो, रघुरामन्स क्लेम इज नॉट टेनेबल इन लॉ. हाँ, आंसर लिखने का तरीका, ये बेस्ट तरीका है और इंस्टीट्यूट बहुत सी बार फॉलो करती है कि पहले लाइन में कंक्लूड कर दो कि नो, उसका कंटेंशन सही नहीं है, फिर उसको एक्सप्लेन करो सेक्शन 126 से. सेक्शन 126 क्या कहता है? नो ऑफिसर शैल इम्पोज द पेनल्टी अगर माइनर ब्रीच होगा तो, और अमाउंट 5,000 से ज़्यादा नहीं होगी तो. गिवन केस में 5,000 से ज़्यादा है इसलिए वो माइनर ब्रीच नहीं माना जाएगा और उसके ऊपर लायबिलिटी आएगी. इज इट क्लियर बेटा? चलिए, तो यहाँ पे इस तरह से आपको दो पॉइंट में कवर करना है. सेक्शन अगर याद आए तो सेक्शन जरूर लिखो, और उसमें सब सेक्शन प्रोविजो वगैरह वो लिखने की ज़रूरत नहीं है. आपने सेक्शन 126 कोट कर दिया तो भी चलेगा, ठीक है? तो ये था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन. अब मैं क्वेश्चन नंबर टू लेता हूँ बेटा. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. शगुन स्टार्टेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन वसई, ठीक है, महाराष्ट्र फ्रॉम 1/1/2020. हर टर्नओवर एक्सीड्स 20 लाख. चलो साइड में हम एनालिसिस शुरू करेंगे, मेरे साथ लिखते जाओ, शॉर्ट में, रफ में लिखते जाओ. सिर्फ मैं तरीका बता रहा हूँ कि एनालिसिस कैसे करना चाहिए. शगुन है एसएससी और सप्लाई ऑफ सर्विसेज टर्नओवर एक्सीड्स 20 लाख ऑन 25/1/20, ठीक है. हाउएवर शी डिडंट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, ये पॉइंट भी, नॉट अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन. Determine the amount of penalty, if any, that may be imposed on Shagun on 31/20 if tax evaded by her on the said date on account of failure to obtain registration is 1,26,000. अब यहाँ पे पेनल्टी पे क्वेश्चन है, कॉन्फिस्केशन पे नहीं. और इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि सेक्शन 122 लर्न करके जाना, क्योंकि बहुत सी बार इस पे क्वेश्चन क्वेश्चन में ये रेफर करना पड़ता है और इस बार इस चैप्टर पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा. 122 में अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पेनल्टी लगती है. कितनी पेनल्टी लगती है कोई बताएगा? मैं आंसर का वेट कर रहा हूँ. सेक्शन 122 करेक्ट बेटा. यहाँ पे कपिल कुमार अदिति 122. हाँ अनिक, पेनल्टी जो है बिल्कुल सही है आपका. पेनल्टी जो लगेगी यहाँ पे टैक्स इवेडेड और 10,000 विच एवर इज हायर, ये पेनल्टी आपको लगेगी. तो यहाँ टैक्स जो यहाँ अमाउंट है ये 1,26,000 है और 1,26,000 और 10,000 विच एवर इज हायर, मतलब आपके ऊपर पेनल्टी 1,26,000 लगेगी. अब बेटा मैं आपको ये बता दूँ, पढ़ते वक्त 122 के आपने 22 ऑफेंसेस है अप्रॉक्सीमेटली. अब गिनते मत बैठना, मुझे पता है अप्रॉक्सीमेटली 22 ऑफेंसेस है. अब ये पढ़ना भी जान पे आता है आपको और इतना फास्ट पढ़ते हो आप, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछ लिया? क्वेश्चन 2 मार्क का पूछा आपने, इतना पढ़ना पड़ेगा थ्योरी इसलिए छोड़ दिया, या बहुत निग्लिजेंटली पढ़ा आपने और क्वेश्चन जो है उसके ऊपर इतना सिंपल पूछ लिया कि अगर आपको क्लिक हो जाता है या ये चैप्टर आप ऑप्शन में नहीं छोड़ते हो तो बेटा 2 लाइन का आंसर है और 2 लाइन के आंसर पे आपको 2 से 3 मार्क मिल जाएगा. लेकिन अगर ये चैप्टर छोड़ दिया और आपका आंसर नहीं लिख पाए तो आपने 2-3 मार्क्स छोड़ दिए बेटा, जो आपको अब वो 60 ले जा सकते हैं. इस बात का जरूर ध्यान देना आपने. तो ऐसे केस में मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो 20 लिस्ट पढ़ो, लेकिन वो जो भी ऑफेंसेस है 22 ऑफेंस एक बार रीड कर लो और उसकी पेनल्टी पे ध्यान दो कितना है. हाँ, आपको टाइम पे क्लिक हो जाएगा कि रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो 122 का ही पेनल्टी होगा. किसने कहा कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो लिस्ट लर्न करना है, वर्ड टू वर्ड लर्न करना है? बिल्कुल नहीं, ठीक है. तो बेटा मैं आपको इतना ही कहूँगा, किसी ने कहा 21 ऑफेंस हो गए, 21 हो गए वॉट यू रीट में भी, ओके. तो मैं अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ. तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे बेटा वो पढ़ लेना और उसमें से पेनल्टी के तरफ ध्यान देना. तो यहाँ पेनल्टी 1,26,000 लगेगी विच एवर इज हायर. तो आपसे क्या इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करेगी बेटा? आपसे इंस्टीट्यूट ये एक्सपेक्ट करेगी कि सेक्शन 122 आप कोट करो. 122 में आपने पहले पैराग्राफ में उन्होंने आंसर लिखा कि भाई वो के थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया था, रजिस्ट्रेशन नहीं लिया विद इन 30 डेज, ओके. तो ऐसे सिचुएशन में ओके यहाँ पे उसके ऊपर 122 लगेगा. इतना बड़ा पैराग्राफ थोड़ी लिखना आपको, आपको 2 लाइन में कंप्लीट करना है कि इन गिवन केस असेसी कौन था? यस, शगुन फेल टू ऑप्टेन रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज
फ्रॉम द डेट व्हेन ही बिकम लायबल फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, हेंस ही इज सब्जेक्ट टू पेनल्टी अंडर सेक्शन 122. बात खत्म. ओके, दो लाइन में खत्म कर देना है. अब 122 में पेनल्टी कितनी, तो वो लिखो 10,000 और 1,26,000, विच एवर इज हायर. अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये पेनल्टी जो है ये सीजीएसटी एक्ट की पेनल्टी है, एसजीएसटी एक्ट की अलग पेनल्टी लगेगी. ध्यान रहे, सीजीएसटी एक्ट की है और एसजीएसटी एक्ट की है, पर एग्जाम में लिखते वक्त आप सिर्फ सीजीएसटी एक्ट की पेनल्टी लिखना, आपको एसजीएसटी की अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, पर एसजीएसटी एक्ट की अलग से लगती है. ठीक है, तो यहाँ टैक्स इवेडेड 126 सीजीएसटी के हो गए, 126 एसजीएसटी के हो जाएंगे, ये आपको दो बार पेनल्टी लग जाएगी. तो बी केयरफुल इन दिस रिगार्ड बेटा. ओके, तो ये 126 जस्ट द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इक्वल्स टू टैक्स इवेडेड, यानी आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट जो भी होगा वो तो देना ही पड़ेगा, प्लस आपको 126 का पेनल्टी भी देना पड़ेगा. वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे सागर सेकंड देखो. सागर, अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टेलीकॉम सॉल्यूशंस लिमिटेड इज इशूड अ समन टू अपियर बिफोर द सेंट्रल टैक्स ऑफिसर टू प्रोड्यूस द बुक्स ऑफ अकाउंट. ओके, समन दिया गया, प्रोड्यूस द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ टेलीकॉम सॉल्यूशन लिमिटेड इन एन इंक्वायरी कंडक्टेड ऑन द सेड कंपनी, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इफ एनी दैट मे बी इम्पोज ऑन सागर इफ ही फेल्स टू अपियर बिफोर सेंट्रल टैक्स ऑफिसर. अब देखो, ये समन भेजा गया और वो ऑफिसर के सामने नहीं आया, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करने नहीं आया, तो उसकी पेनल्टी. अब इसलिए मैं कहता हूँ कि चैप्टर फ्रिक्वेंट रिवीजन में लो, बार बार ये चैप्टर को पढ़ो. इस बार आपको इस चैप्टर के 5 से 7 मार्क नहीं छोड़ने हैं, 100% आएगा. ये अब समन वाला जो सेक्शन है ये सेक्शन 122 में कवर्ड नहीं है. ओके, आप अगर देखोगे तो मेरे बुक में क्वेश्चन नंबर 1 जो है पेज नंबर 629 के आसपास होगा, 122 सबसेक्शन 3. ओके, इज देयर एनी पेनल्टी प्रिस्क्राइब फॉर पर्सन अदर देन टैक्सेबल पर्सन, तो उसमें जो है पेनल्टी 25,000 दी है 122 सबसेक्शन 3 में. ओके, उसमें एड टू अबेट एनी ऑफ द 21 ऑफेंसेस, मतलब जो हेल्प करेगा 21 ऑफेंस सेक्शन 122 के लिए, या फिर डील इन एनी वे मे बी ट्रांसपोर्टर सप्लाइंग स्टोरिंग एक्सेट्रा, वो भी लायबल रहेगा. रिसीव और डील इन सप्लाई ऑफ सर्विस इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द एक्ट, और उसमें एक पॉइंट है, फेल्स टू अपियर बिफोर अथॉरिटी हु हैज इश्यूड अ समन, मतलब जिसको भी समन दिया गया वो समन देने के बाद नहीं आया. ओके, अब वो हो सकता है टैक्सेबल पर्सन नहीं है. ओके, क्योंकि टैक्सेबल पर्सन यहाँ पे कंपनी होगी, पर समन डायरेक्टर पे दिया गया और डायरेक्टर नहीं आया, तो ऐसे केस में 25,000 तक मैक्सिमम पेनल्टी लग सकती है. तो ऐसे सिचुएशन में बेटा देखो, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट था, जो भी है, अब इतना आपका यहाँ ख्याल जाना चाहिए. इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको रिवीजन करना पड़ेगा इस चैप्टर में. चलिए, तो यहाँ पे 25,000 की पेनल्टी आपको लग सकती है. तो कुछ ऐसी केसेस जो टैक्सेबल पर्सन नहीं है लेकिन उनके ऊपर पेनल्टी आएगी, मतलब ऐसा पर्सन जो 21 ऑफेंस करने के लिए हेल्प करेगा, दूसरा जो ट्रांसपोर्टर है, बायर है, जो वेयरहाउस में स्टोर करेगा, तीसरा जो ऐसा कोई भी पर्सन जिसको ये प्रोसीडिंग के लिए समन दिया गया, प्रेजेंट यहाँ उसको बुलाया गया और वो नहीं आया, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी बेटा. ठीक है, तो आपको यहाँ पे लायबिलिटी आएगी. उसके बाद में नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे ये तो हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया. क्वेश्चन नंबर 3, वेदर एक्शन कैन बी टेकन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स, और इफ गुड्स आर अटेम्प्टेड टू बी रिमूव्ड विदाउट प्रॉपर रिकॉर्ड्स इन बुक्स, इफ यस एक्सप्लेन द रिलेटेड प्रोविजन अंडर सीजीएसटी एक्ट. ओके, क्वेश्चन ध्यान से, whether action can be taken for transportation of goods without valid documents if goods are attempted to be removed without proper records in books, if yes explain related provisions, matlab aapko related provisions explain karni padegi. pehle to action ho jayega, yes action can be taken for transportation of goods without valid documents or if goods are attempted to be removed from or removed from proper records, if any person transport any goods or stores, if any person transport any goods or stores or any such goods while in transit without the document prescribed under the act or supplies the stores any goods have not been recorded in books of account, to section 129 mein uske goods detain kiye jayenge along with vehicle. okay, ha,
अब देखो यहाँ पे आप आ जाओ और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कन्वेंस विदाउट डॉक्यूमेंट होगा तो क्या एक्शन है। और क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 631, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज दैट मे ऑकर ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट। ये भी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार इस पर भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट किया विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स या हैव बीन रिमूव्ड विदाउट प्रॉपर रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। यहाँ पे जो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई गई ये दो पार्ट में डिवाइड की गई है। अगर आंसर पढ़ोगे तो अगर जो ओनर है वो सामने आता है यानी उसका ट्रक पकड़े गया, कन्वेंस पकड़े गया और ओनर सामने आया कि हाँ ये मेरा गुड्स है और ओनर सामने नहीं आया, तो आप भी मेरे साथ पढ़िएगा, अगर ओनर कम फॉरवर्ड होता है सामने आता है तो पेनल्टी है, यानी आपको टैक्स तो देना पड़ेगा और पेनल्टी है 100% ऑफ टैक्स। ओके, पेनल्टी 100% ऑफ टैक्स और आपको इसके लिए सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी। अगर नॉर्मल गुड्स होगा तो एग्जम्प्टेड गुड्स होगा तो आपकी जो पेनल्टी है 2% ऑफ वैल्यू ऑफ द गुड्स, ये लर्न करके जाना 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज हायर, ओके विथ पेनल्टी, ठीक है। और अगर ओनर नहीं आया सामने तो उसका टैक्स जो है ट्रांसपोर्टर देगा और कि जिसके पोजीशन में गुड्स है, और वो केस में पेनल्टी बहुत बढ़ सकती है, यानी पेनल्टी इक्वल्स टू 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स। यानी देखो अगर आपका गुड्स 100 करोड़ का है और उसका टैक्स आपका यहाँ पे कितना बन रहा है 12% के हिसाब से समझ लो 12 CR बन रहा है, ओनर आ जाता है सामने तो आपकी पेनल्टी 12 CR ही लगेगी और ओनर सामने नहीं आता है तो आपकी पेनल्टी 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स यानी 50 करोड़ रुपए की पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी। इज इट क्लियर? और एग्जम्प्टेड गुड्स होगा तो 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस, विच एवर इज हायर नहीं, विच एवर इज लेस। तो ये था बेटा रिगार्डिंग टू यहाँ पे पेनल्टी के केस में। तो यहाँ जो सेक्शन अप्लाई होगा ये सेक्शन के तहत हमने ये पेनल्टी देखी सेक्शन 129। तो ऐसे केस में कन्वेंस पकड़ा गया इन बिटवीन, ओके, और वो कन्वेंस रिमूव किया गया, हाँ बाकी जो पेनल्टी है 123 की यहाँ पे वो पेनल्टी ट्रांसपोर्टर ने हेल्प किया वो पेनल्टी तो अलग से लगेगी, पर यहाँ पे विदाउट डॉक्यूमेंट कन्वेंस पकड़ा गया तो 129 के तहत ये पेनल्टी लगेगी बेटा, ठीक है। तो ये हमने देखा यहाँ पे उसके बेस पे उन्होंने सॉल्व किया है, तो कम फॉरवर्ड होगा तो यहाँ पे 100% ऑफ टैक्स और एग्जम्प्टेड गुड्स होगा तो 2% और 25,000 विच एवर इज लेस होगा, ठीक है। वो ओनर नहीं आया तो 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 5% और 24,000 विच एवर इज लेस। हाँ अगेन ये पेनल्टी जितनी भी पेनल्टी पढ़ा रहा हो वो CGST एक्ट की ही है, SGST एक्ट की अलग से लगती है, ये बात का आप पूरा ध्यान दें, ठीक है। अब अगर आपने ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ये लेते हैं, एग्जामिन द इम्प्लीकेशंस एज रिगार्ड टू बेलेबिलिटी एंड क्वांटम ऑफ पनिशमेंट ऑन प्रोसिक्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग केसेस पर्टेनिंग टू पीरियड December 2020 अंडर द CGST एक्ट, अंडरलाइन द वर्ड बेलेबिलिटी, ठीक है। एक्स कलेक्ट 245 lakhs एज अ टैक्स फ्रॉम इट्स क्लाइंट एंड डिपॉजिट 241 lakhs विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इट इज फाउंड दैट ही हैज फॉल्सिफाइड द फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड हैज नॉट मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड। देखो पहले तो उसने टैक्स कम पे किया, कितना कम पे किया बेटा 4 लाख रुपए का टैक्स कम पे किया, प्लस उसने फॉल्सिफाइड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एज वेल एज उसने रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन नहीं किए, ठीक है। और सेकंड व्हाई कलेक्ट, चलो पहले पहला वाला सॉल्व करते हैं। तो हमें करना क्या है, एग्जामिन द इम्प्लीकेशंस एज रिगार्ड टू बेलेबिलिटी एंड क्वांटम ऑफ पनिशमेंट और प्रोसिक्यूशन, मतलब बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी या प्रोसिक्यूशन होगा कि नहीं होगा, ओके इसके ऊपर आपको समझाना है। इसके लिए आप आ जाइए बेटा सेक्शन 132 में, आप आ जाइए सेक्शन 132 में, ठीक है।
अब 132 में अगर आप आओगे तो लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस उन्होंने दी है, और वो लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस आप करते हो तो वो केस में आपको पनिशमेंट होगी, आपके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन एक्शन होगी। पर एक बात का ख्याल रहे, प्रोसिक्यूशन एक्शन आपकी तभी स्टार्ट होगी जब आपका टैक्स इवेजन 1 करोड़ से ज्यादा है, मतलब अमाउंट इन्वॉल्व ओके आपका जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा है। अगर आपका अमाउंट 1 करोड़ से कम होगा तो आपके अगेंस्ट में कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, और अगर प्रोसिक्यूशन ही नहीं होगा तो क्वेश्चन ऑफ बेल वगैरह नहीं आएगा पिक्चर में। तो आपने जो पैसा है, तो मैं आप सबसे पहले तो एक्स का पहला आंसर जो है ओके 132 क्लॉज डी अगर आप देखते हो तो डी अंडरलाइन कीजिएगा मेरे साथ, वो क्या कहता है, कलेक्ट एनी अमाउंट्स ऑफ टैक्स बट फेल्स टू पे टू द गवर्नमेंट बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, मतलब क्या, अगर अगर आपने 3 महीने में नहीं दिया तो ये एक्शन होगी, अगर 3 महीने के अंदर पे कर दिया तो ये केस में हमारा क्या था, यहाँ एक्स ने जो है पैसा कलेक्ट कर लिया था पर गवर्नमेंट को नहीं पे किया था, और यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने पीरियड नहीं दिया कि कितने पीरियड में वो डिफॉल्ट हुआ है, पर हम प्रिज्यूम करके चलेंगे कि अगर उसने 3 महीने में गवर्नमेंट को नहीं दिया होगा, ये 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और 3 मंथ्स में गवर्नमेंट को नहीं दिया होगा तो फिर उसके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन हो सकता है, पर प्रोसिक्यूशन तभी हो सकता है, प्रोसिक्यूशन मतलब अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट, और बेटा ओके प्रोसिक्यूशन तभी हो सकता है जब यहाँ पे ओके अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा हो, तो 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में, और 5 करोड़ के ऊपर, वहाँ टेबल दिया हुआ है कि आपको कैसे आपके अगेंस्ट में यहाँ पे पनिशमेंट कितनी होगी, मिनिमम 6 मंथ 6 months, मैक्सिमम 5 years, 3 years, 1 year, लिमिट के हिसाब से उन्होंने दिया है अगर आप रीड करोगे तो। तो अब ऐसे सिचुएशन में बेटा यहाँ पे ओके 3 महीने में उसने पेमेंट नहीं दिया और सिर्फ 4 लाख का ऑफेंस था, तो वो सिचुएशन में जहां तक अमाउंट की बात है तो उसको प्रोसिक्यूशन एक्शन नहीं लिया जाएगा। हाँ, आगे एक के पैराग्राफ में वो क्या कहते हैं, देखो फर्दर फॉल्सिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड बाय एक्स इज पनिशेबल विथ एन इंप्रिजनमेंट अप टू 6 months और विथ फाइन और बोथ ओके अंडर 132-154 ऑफ CGST एक्ट एंड सेड ऑफेंस इज बेलेबल इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 132-4 ऑफ द CGST एक्ट। हाँ, फॉल्सिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हो गए तो वो पनिशेबल है ओके, प्रोसिक्यूशन हो सकता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो है बेल भी मिलती है, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है कि बेलेबल, आपको अगर एक वर्ड याद होगा कॉग्नाइजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस मतलब बेलेबल और नॉन कॉग्नाइजेबल उल्टा है, कॉग्नाइजेबल मतलब बेलेबल और नॉन कॉग्नाइजेबल मतलब कॉग्नाइजेबल मतलब नॉट बेलेबल और नॉन कॉग्नाइजेबल मतलब बेलेबल, तो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होगा तो वो केस में बेल नहीं मिलती है, वो केस में यहाँ पे मैजिस्ट्रेट ही बेल देता है, और नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होगा तो वो केस में जो बेल है यहाँ, एक मिनट मेरे से पॉइंट थोड़ा गलत हो गया, फिर से समझ लो, नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होगा तो बेलेबल है ठीक है, और कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होगा तो नॉन बेलेबल है, हाँ सही पॉइंट है, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होगा तो नॉन बेलेबल है, जहां ऑफिसर बेल नहीं दे सकता है मैजिस्ट्रेट बेल देगा, और नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होगा मतलब बेलेबल है, जहां ऑफिसर खुद होके बेल दे सकता है बेटा, जहां ऑफिसर खुद होके बेल दे सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे ये जो ऑफेंस आता है और 5 करोड़ के नीचे वाला ऑफेंस, अगर आप प्रॉपरली पढ़ोगे एक सेक्शन 132 और ये अर्लियर वाले चैप्टर में इंस्पेक्शन में मैंने वो पैराग्राफ दिया है कि अगर 5 करोड़ के नीचे वाला ऑफेंस होगा तो वो ऑफेंस आपका नॉन कॉग्नाइजेबल मतलब बेलेबल होगा, जो ऑफिसर खुद बेल दे सकता है, मैजिस्ट्रेट का ओके बेल लेने की जरूरत नहीं है ओके। चलो ये हमने पॉइंट देखा है यहाँ पे, नेक्स्ट बेटा अगर सेकेंड पॉइंट हम देखें तो वाई कलेक्ट 550 लाख एज अ टैक्स फ्रॉम हिज क्लाइंट, क्लाइंट से 550 लाख कलेक्ट कर लिया बट डिपॉजिट ओनली 30 लाख, व्हाट विल द, आप ही बता दो क्या इंप्लीकेशन हो, अगर 132 आप पढ़ रहे हो तो, अगर 550 लाख का ऑफेंस है और 30 लाख यानी 520 लाख उसने नहीं दिया, मतलब ऑफेंस 5 करोड़ से ज्यादा है, अगर ऑफेंस 5 करोड़ से ज्यादा है तो बेटा डेफिनेटली यहां पनिशमेंट होगी, और यहाँ पे मिनिमम जेल जो है उसको ओके यहाँ अगर आप टेबल पढ़ोगे तो मिनिमम 6 महीना और 5 करोड़ से ज़्यादा है, इसलिए मैक्सिमम 5 ईयर्स विथ फाइन। अब देखो 5 ईयर्स विथ फाइन का मतलब आपको 5 साल की सजा तो होगी प्लस आपके ऊपर फाइन भी लग सकती है, ये फाइन अलग यानी पेनल्टी अलग, इंटरेस्ट अलग, कॉन्फिस्केशन आपके गुड्स अगर कॉन्फिस्केट हुए होंगे तो उसकी फाइन अलग, और ये अरेस्ट की फाइन लगती है आपको अलग से, तो ये फाइन आपको लगेगी यहाँ पे
ओके, 5 लाख के ऊपर है, कम से कम 6 साल की जेल होगी, 6 मंथ की जेल होगी, और मैक्सिमम 5, यहाँ पे अगर 5 करोड़ के ऊपर होगा तो इन्होंने 5 ईयर्स यहाँ पे दिया है, उससे ज़्यादा आपको जेल नहीं होगा, मैक्सिमम 5 ईयर्स विथ फाइन। लेकिन 6 महीने की सज़ा कम हो सकती है अगर कोई एडुकेट रीज़न देते हो। एडुकेट रीज़न में मतलब कोई हेल्थ प्रॉब्लम होगा, हेल्थ इश्यू होगा, ऐसे कुछ एडुकेट रीज़न जहां कोर्ट कन्विंस हो, तो सज़ा 6 महीने से भी कम हो सकती है। तो उन्होंने देखो बी का आंसर आपको यहां दिया है, फेलियर टू कलेक्ट टैक्स बियॉन्ड 3 मंथ्स, ये वर्ड आना ही चाहिए, मतलब फेलियर टू कलेक्ट एंड पे द टैक्स बियॉन्ड 3 मंथ्स। तो अगर अमाउंट यहाँ पे 500 लाख यानी 5 CR से ज़्यादा होगा तो इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम 5 ईयर्स और मिनिमम आपको इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ्स, ये पॉइंट्स आपके कवर होने चाहिए। अगर आपके पास कोई स्पेशल और एडुकेट रीज़न नहीं होगा तो कम से कम 6 महीने की सज़ा आपके अगेंस्ट में हो सकती है। ओके, अब इन्होंने नीचे क्या पूछा देखो यहाँ पे, व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशंस विद दिस रिगार्ड टू पनिशमेंट ऑन प्रोसिक्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। हमने देखा व्हाट वुड बी योर पोजिशन इफ एक्स एंड वाई रिपीट द ऑफेंस। हाँ, एक्स और वाई ऑफेंस रिपीट करता है, अब एक्स का तो अमाउंट कम था इसलिए पहली बार तो नहीं होगा, पर अगर सेम ऑफेंस वो रिपीट करता है तो दूसरी बार वैल्यू लिमिट नहीं है, दूसरी बार उसको सजा होगी। और अगर आप देखोगे तो उसकी सजा कम से कम 6 महीना और ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक होगी, 5 ईयर्स तक इंप्रिजनमेंट हो सकता है, और वाई को भी फिर वैल्यू लिमिट नहीं है, 5 साल तक इंप्रिजनमेंट हो सकता है। तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू बेटा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। हमारा डिस्कशन ये चैप्टर पे हम कंटिन्यू रखेंगे, आज का सेशन यही रुकते हैं, यही सेशन हम कल कंटिन्यू रखेंगे, और कुछ लास्ट के टॉपिक्स जो है अपील वगैरह वो हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा यहाँ पे ये डिस्कशन था एडिशनल क्वेश्चन का, चार्ट रिवीजन का लेक्चर मैं अभी रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा। ओके, प्रोबेबली कल से या परसों से हम स्टार्ट करेंगे, इसकी डिटेल्स आपको दूंगा, ठीक है। पर कल हमारा ये एडिशनल क्वेश्चन का सेशन होगा, चार्ट रिवीजन अगर कल से स्टार्ट होती है तो फिर मैं उसका टाइम भी आपको बताऊंगा, और अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम वो टाइम पे चार्ट रिवीजन स्टार्ट करेंगे जीएसटी और कस्टम्स रिलेटेड। ओके दोस्तों, तो चलो आज का सेशन यहीं रोकते हैं। हाँ, ये सेशन कंटिन्यू चलते रहेगा, ओके, जब तक मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर नहीं करता हूँ, इसलिए आप मुझे मत पूछिएगा कि सर ये सेशंस कब कंप्लीट हो गए। हाँ, जिसको ये सेशन स्लो लग रहा है, रिकॉर्डेड सेशंस वो बाद में देख सकता है, पर ये सेशन का बस मेन ऑब्जेक्ट यही है कि आपने जो इग्नोर्ड सेक्शन है उसके ऊपर मैं आपका ध्यान लाऊँ और आपका पढ़ाई फिर से वो एरिया में ओके अच्छे से हो, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। सो दोस्तों, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आपके कोई डाउट्स क्वेश्चन हो गए तो आप जो है ओके कनेक्ट हो सकते हो जूम से। ओके, तो बेटा यहाँ रुकते हैं, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और अपना पूरा ध्यान रखो।